तवांग में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद एक हफ्ते में फ्रांस से आखिरी रफाल लड़ाकू तैयार आ चुका है। मगरबी बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रफाल का इस्तकबाल वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया। फ्रांस से भारत आने वाला यह 36वां रफाल है, 36वां यानी आखिरी रफाल। भारत और फ्रांस के बीच साल 2011 में कुल 36 रफाल लड़ाकू तैयारों की डील हुई थी। 60,000 करोड़ रुपए के सौदे में 35 रफाल भारत को पहले ही मिल चुके हैं। रफाल की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर पहुंची थी और 36वां रफाल गुज़िश्ता रोज हसीमारा एयरबेस पर लैंड हुआ। हसीमारा एयरबेस से रफाल को तिब्बत के ल्हासा तक पहुंचाने में सिर्फ 12 मिनट लगेंगे। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, यहां पीएलए की फौज का अहम बेस है। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू तैयारा है जो 3 मोहलिक मिसाइलों से लैस है। चीन से जंग की हालत में रफाल अहम रोल अदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।